चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। भारत में 6 जून 2022 तक 252.37 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल इसी समय में 307.41 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था। जहां तक इस चीनी मौसम के अनुमानों का सवाल है, इस्मा ने अपने अखिल भारतीय चीनी उत्पादन अनुमान को 2021-22 से 360 लाख टन के बराबर 34 लाख टन चीनी के डायवर्जन पर विचार करने के बाद संशोधित किया है। वहीं पिछले साल भारत ने एथेनॉल के उत्पादन के लिए लगभग 20 लाख टन चीनी के डायवर्जन के बाद 311.92 लाख टन चीनी का उत्पादन किया था। चीनी निर्यात के अब तक 94 से 95 लाख टन निर्यात अनुबंध किए जा चुके हैं, उसमें से लगभग 86 लाख टन चीनी का 2022 के अंत तक भौतिक रूप से निर्यात हुई है। हाल ही में सरकार ने चालू सीजन के लिए चीनी निर्यात को 100 लाख टन तक सीमित कर दिया है। अप्रैल 2022 के अंत तक चीनी की बिक्री पिछले वर्ष की इसी अवधि में 160.05 लाख टन बनाम 152.61 लाख टन होने का अनुमान है। इस्मा का अनुमान है कि चालू सीजन में घरेलू चीनी खपत 275 लाख टन होगी, जबकि पिछले साल ये 265.55 लाख टन थी। वहीं एथेनॉल स्पष्ट रूप से भारतीय चीनी उद्योग के लिए एक गेम चेंजर रहा है। 10% एथेनॉल संमिश्रण लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। दरअसल समय सीमा से 5 महीने पहले एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। पेट्रोल में उच्च एथेनॉल संमिश्रण ने 41,000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा भंडारण को बचाया है। भारत 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य बना रहा है। इस्मा के अध्यक्ष ने पुष्टि की है कि हमारे पास देश में पर्याप्त चीनी है। उन्होंने कहा है कि हम 2025 तक 20% एथेनॉल संमिश्रण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप खुशियों की अपनी दुकान।